शॉपिंग करने के लिए, वो भी जितना से हमारा गुजारा होना होता है उतना ही सामान लेने के लिए हम निकले हैं, क्योंकि हमारे घर के सामने दोनों दो डिपार्टमेंटल स्टोर है, तो वह वहीं से ही खरीदेंगे। अभी हमारा एरिया पूरा सुनसान है, यहाँ का लोग बहुत अच्छे से लॉकडाउन मेंटेन कर रहे हैं, जितना ज़रूरी है उसी लिए वो लोग निकल रहे हैं, ज़्यादा कोई अपने मतलब से नहीं निकल रहे हैं। दोस्तों ये देखिए, मार्केट में खाने की चीज़ सफिशिएंट क्वांटिटी में मौजूद है। खामखा पैनिक मत कीजिए और दुकान में झुंड बना के खड़े मत होइए। बाहर वेट कर रहे हैं क्योंकि अंदर थोड़ा क्राउड है, वो अगर ख़त्म हो जाएगा फिर हम लोग एंट्री करेंगे। अभी लाइन पे डिस्टेंस मेंटेन करके हम वापस। अभी थोड़ी देर हम धूप में रहेंगे, उसके बाद घर पे जाएंगे। बहुत 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 ज़रूरी था इसीलिए हम निकले, एकदम 18 दिन बाद हम निकले हैं। थोड़ा राशन हमको लेना था, घर में पूरा राशन हमारा ख़त्म हो गया था, मेडिसिन लाना था, इसीलिए आपसे भी हम हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं कि अगर बहुत 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 ज़रूरत ना पड़े तो घर से बाहर मत निकलिए, घर के अंदर रहिए, सेफ रहिए। और अगर बाहर निकलना भी पड़े तो सावधानी बरतिए, जैसे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके लोग दुकान जा रहे हैं वैसा मेंटेन कीजिए, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तो हम दूसरों को भी स्वस्थ रहने में हेल्प कर सकते हैं। तो जैसे जैसे गवर्नमेंट बोल रहा है, जैसे जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है, वैसे वैसे मेंटेन कीजिए, आप भी स्वस्थ रहेंगे दूसरों को भी स्वस्थ रखेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं आपसे और एक मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।